जय हिंद जय भारत। तो हम आपके लिए एक अकाउंटिंग के कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं और एक इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। लेसन वन हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको वाउचर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसको कैसे कैश बुक में रिपोर्ट किया जाता है उसके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये अकाउंटिंग के लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गए, तो उसका कुछ अदर रीजन था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फॉलोअर जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते भी हैं तो कम हो जाते हैं, लेकिन तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए अगर हमें कुछ दिक्कत होगी तो आएंगे जरूर लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, लेकिन जरूर आएंगे। और आप हमारी काउंटिंग की प्ले लिस्ट को अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अन्य लोगों के साथ जो अकाउंटिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे 13 से 14 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और अभी ये वाला लेक्चर जो रहने वाला है इसका जो कंटेंट है आपको गूगल ड्राइव के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से प्रिंट करना और इस लेक्चर को करना। और इस लेसन में, इस लेक्चर में क्या रहने वाला है, ये लेक्चर जो हम ये लेसन नंबर 1 करेंगे, एक लेक्चर में हम इसके वाउचर प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या बोलते हैं उसकी रिपोर्टिंग कैश बुक में करेंगे। तो ये स्मॉल लेक्चर रहेगा, छोटा लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि एक अगर हम एक कंप्लीट लेक्चर बनाते तो 45 मिनट का हो सकता था, एक घंटे का भी हो सकता था। तुम कोशिश करेंगे 10-15 मिनट में सभी एंट्रीज आपको करवा दें, वाउचर बनवा दें और अगले लेक्चर में 15 मिनट में ही या 20 मिनट में उसकी रिपोर्टिंग कैश बुक में कर दें। तो ये रहने वाला है, इस संयोग से आप कर सकते हो। अगर हम इसको कंसोलिडेट करते हैं तो एक लेक्चर हो जाता, लेकिन यह छोटा लेक्चर रहेगा कि इंटरेस्ट बना रहे आपका छोटे छोटे लेक्चर करने में। और अगर आप सीए करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमने डाल रखी है, आप जरूर देखिए। उसके अलावा हम आपके लिए कुछ अन्य वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप ड्राइवर की स्ट्राइक्स हो या उसके जो सेक्शन है नया संहिता वाला वो लेकर आए हैं। उसके अलावा जीएसटी के ऊपर लेकर आए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के ऊपर लेकर आए हैं, फिर करप्शन फ्री भारत कि भारत क्या करप्शन फ्री है नहीं है उसके ऊपर लेकर आए हैं। और हम और कैसे अगर जो पर्सन बाहर चले जाती है और भारत को आलोचना करते हैं, भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में हमने बताया। और हम शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो तो मैं फिर से बता दूँ ये अनाउंसमेंट, किसी भी तरह की दिक्कत हो आप हमें इंस्टा में फॉलो करें। इंस्टा में हमें PB26Prince वहाँ पर मैसेज करें, वहाँ फॉलो करें, हम आपके हर डाउट का क्वेरी का आंसर देंगे। और आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, आप हमारे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसके बाद हमारे लेक्चर्स को शेयर करें। आप अपने सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। और हमारे लिए जो मोटिवेशन जो आपसे हम चाहते हैं वो एक सब्सक्राइबर है और लाइक्स है, जिससे कि हमारी वीडियो यूट्यूब पर अच्छी खासी चलने लग जाएगी और हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आने लगेंगे। और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में अच्छी स्पेंडिंग करके हमारे जो चैनल है यूट्यूब का चैनल है 2024 में डिजिटलाइजेशन करें और अच्छे तरह की वीडियो क्वालिटी हो, ऑडियो क्वालिटी हो, हालांकि अभी भी अच्छी है लेकिन फिर इससे एडवांस लेवल का कुछ करें, एक अच्छा स्टूडियो मेंटेन करके, एक अच्छा स्टूडियो बनाकर। तो अभी 4 मिनट हो गए हैं बात बताते हुए, तो सिर्फ इतनी ही बात है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ हो। और जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा हम अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और आप फिर से क्षमा चाहते हैं कि अकाउंटिंग के लेक्चर आने में देरी होगी, क्योंकि कोई हमें कमेंट कर ही नहीं रहा था कि हम इसका वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं कर रहा था। अगर आप हमें मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट कितनी चल रही है और कौन कौन इंटरेस्टेड है इसे देखने में और लोगों को कैसे लग रहा है। आप हर वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, हमारी अकाउंटिंग हो या अदर हो, अकाउंटिंग के ऊपर खास कर करें, स्पेशली अकाउंटिंग के ऊपर इसलिए करें क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा डेली बेसिस पर 2-3 वीडियो 4 वीडियो और ज्यादा वीडियो भी हम डाल सकते हैं। और हमें मैसेज जरूर करें कि आपको हमें ये कैसे लग रहा है, मैसेज कैसे करना है, PB26Prince के ऊपर करना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो फर्स्ट लेसन रहने वाला है उसमें 2 तरह के वाउचर रहने वाले हैं, एक क्रेडिट का वाउचर रहने वाला है, एक डेबिट का वाउचर रहने वाला है। अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ये वाला जो वाउचर रहने वाला है ये क्रेडिट वाउचर है। 2 तरह के वाउचर हम प्रिपेयर करेंगे। ये वाला क्रेडिट वाउचर है, इसका फॉर्मेट है
ये वाला हमारा डेबिट वाउचर है, ये इसका फॉर्मेट है। और मैंने जो भी आपके साथ कंटेंट शेयर किया है आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको आप कुछ नोट करना चाहते हैं अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, प्रिंट निकलवाना चाहते हैं प्रिंट करवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आपको कैसे सूटेबल होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं इस तरह से हम वाउचर बनाएंगे, इस तरह से हम वाउचर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम वाउचर बनाने वाले हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऐसे वाउचर, जैसे इसको स्टेपल किया जाता है हर डेट के एक दिन के वाउचर्स को। तो यहाँ पर एक वाउचर नंबर होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक वाउचर नंबर दिखेगा आपको, ये वाला वाउचर नंबर दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा और इधर भी दिख रहा होगा आपको वाउचर नंबर। इस वाउचर नंबर को नहीं डालना, हमें क्या डालना है, हमें क्रेडिट वाउचर के साथ एक तो डेट डालनी है, एक तो हमें डेट डालनी है किस दिन का है, उसके अलावा उसका जो पर्टिकुलर है उसके बारे में डालना है कि पर्टिकुलर में क्या आएगा, फिर उसकी अमाउंट को डालना है हमें कि अमाउंट में क्या आने वाला है, और नीचे टोटल डालने वाले हैं टोटल। फिर अकाउंटेंट यहाँ पर सिग्नेचर करेगा और जो मैनेजर होगा वहां सिग्नेचर करेगा। कहीं कहीं जगह मैनेजर अकाउंटेंट कैशियर भी होता है, ऐसी डेबिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर में भी आप देखिए ऐसे करके आपको दिख जाएगा कि डेबिट है और उसके बाद आपको ये नोट नंबर दिखेगा, डेट दिखेगी, फिर आपको अमाउंट डालनी है, अमाउंट के साथ नीचे टोटल डालना है। और ऐसे ही यहाँ पर भी अकाउंटेंट और मैनेजर के सिग्नेचर होंगे और बीच में जो पर्टिकुलर्स होंगे, ये वाले जो बीच में होंगे इसे पर्टिकुलर्स बोलते हैं। आप बोलोगे सर कि नंबर आपने लिख दिया, डालना क्यों नहीं है, नंबर डालेंगे जब हम वाउचर्स को एक साथ अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद उसके नंबर डालेंगे, फिर नंबर डालेंगे। लेकिन पहले हमें जो वाउचर जब बनाना है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल रहेगा जिसके बेस पर वाउचर बनेगा वो बिल रहेंगे, बिल के बेस पर हम वाउचर बनाएंगे और वाउचर को कैश बुक में डालेंगे। जब वाउचर्स को हम एक साथ लगा देंगे ऐसे करके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब वाउचर्स को हम ऐसे करके एक साथ, आप देखिए ऐसे करके हमने वाउचर्स को लगा दिया है और इसको स्टेपलर कर दिया है। जब हम पहले क्या करेंगे, आप देखिए पहले हमने ये वाले क्रेडिट्स वाउचर को डाला है, क्रेडिट को हमने कैसे डालने हैं, सबसे पहले हम क्रेडिट वाउचर लगाएंगे, पहले क्रेडिट वाउचर लगा लो सभी। क्रेडिट वाउचर लगाने के बाद जितने क्रेडिट वाउचर लगे फिर हम लगाएंगे डेबिट वाउचर, ये देखिए डेबिट वाउचर लगाएंगे, ऐसे करके डेबिट वाउचर लगाएंगे। तो आज के लेक्चर में ओनली डेबिट और क्रेडिट वाउचर, पहले हमने क्रेडिट लगा दिए फिर हमने डेबिट वाउचर लगा दिए। तो इस तरह से हमने वाउचर बना दिए, वाउचर बनाने के बाद उसको स्टेपल कर दिया, लगा दिया, लगाने के बाद फिर आपको नंबर डालना है। देखिए फिर आप ऐसे करके नंबर डालोगे कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये चार नंबर, पांच नंबर, छठा नंबर, सातवां नंबर, सातवां के बाद एट्थ नंबर आएगा, एट्थ के बाद आएगा नाइन नंबर, और फिर लास्ट 10 नंबर। तो ऐसे करके आपको वाउचर डालने हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि क्रेडिट वाउचर लगाने हैं, फिर डेबिट लगाने हैं, डेबिट के पीछे जो जर्नल वाउचर की बारी आएगी फिर उनको लगाना है, फिर इनको स्टेपल करना है, फिर इनको नंबर दे देने हैं, इस तरह से इनको करना है। लेकिन जब वाउचर बनाने हैं तब नंबर नहीं लगाने, स्टेपल करने के बाद नंबर लगाने हैं। तो कैसे लगाने हैं मैंने बता दिया, अब फिर से देख रहे हैं कि पहले नंबर पर हम क्रेडिट वाउचर लगाने वाले, दूसरे नंबर पर हम डेबिट वाउचर लगाएंगे। ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे इसलिए करते हैं कल को हमें कोई एंट्री देखनी हो तो हर एक तरह का सीक्वेंस चलता है, एक तरह का फॉर्मेट चलता है जिसे आसानी से हम एंट्री को ढूंढ सकते हैं। तो इस लेक्चर में जो बेसिक्स बताना भी आपको बहुत जरूरी था कि अगर हमने कंटेंट बनाया है उसको संभाल कर रखना है, 8 साल के लिए संभाल कर रखना होता है, बनाने के बाद 8 साल के लिए इसको बनाकर रखना होता है, इसलिए इसको बनाने के बाद उसके एक सीक्वेंस में रखना, उसकी संभाल करनी और इजीली इसको फिर ढूंढना, इसके लिए यह सभी सिस्टम बनाया गया है कि इजीली हम कैसे ढूंढ सकते हैं, इजीली कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हम जर्नल वाउचर लगाते हैं, फिर उसको स्टेपलर कर देंगे, इसके बाद हम स्टेपलर कर देंगे, स्टेपलर के बाद फिर हम उसको नंबर दे देंगे, जैसे मैंने बताया एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, स्टेपलर करने के बाद उसको नंबर लगा दूंगा।
इस तरह से आपको करना है। और पहले आपको वाउचर प्रिपेयर करना है, इतना तो आपको पता लग गया होगा अभी, ये बेसिक्स हैं, जिससे कि हम एंट्री तो अच्छे से संभाल सकते हैं। इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं हो सकता वाउचर्स को बनाकर नंबर देकर संभालने का, इजीली रखने का, और वाउचर के पीछे भी आप, और जैसे आपने वाउचर बना दिए, अगर आप ऐसे करके वाउचर बनाते हो तो उसके पीछे डेट डाल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेट पेंसिल से डाल दो कि कल को रब करना हो, आप पेन से डाल दो, वो आपकी इच्छा है कि आपको कैसे लगता है। अगर हम ऐसे करके ना रखते हैं, जैसे कि हमें मालूम होता है फाइल में हम ऐसे करके वाउचर डाल देते हैं या ऐसे करके रखते हैं, तो पता रहता है कि ये इस डेट के सारे वाउचर है। आपने आप कभी बैंक में जाना, बैंक वाले वाउचर बनाते हैं सारे दिन के, जितने भी वाउचर होते हैं वो निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ना उसको धागे से ऐसे प्रो लेते हैं, सी लेते हैं, तो उसके ऊपर एक उन्होंने ना एक फॉर्मेट बनाया होता है बैंक वालों ने, वैसे लगा देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं इतने दिन के वाउचर, डेट टाइम ये वो। उसको लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जो बंदा रखवाता है वो साइन करता है, तो पीएन या उनका जो दफ्तरी होता है, जो ऑफिस के कागज वगैरह रखता है, स्पेशली एक बंदा अपॉइंट किया जाता है बैंक में कि वो सभी जितने भी फाइलिंग करे, कागज रखे, तो उसको वो अपनी अलमारी में या जहाँ भी बुक्स वगैरह रखते हैं वहाँ रख देते हैं। तो यह वाउचर को संभालने का तरीका होता है, जिससे कि हम बाद में अगर उसकी ऑडिट हो, ऑडिट के वक्त इसको आसानी से निकाल सके, और जो पर्सन हमारा ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर है, उसको हम दे सके और वो उसको एंट्रीज को टैली कर सके, इसका ये पर्पस होता है। तो चलिए अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहली मैं आपको बता दूं, मैं ब्लैक स्केच यूज करने वाला हूँ, वाउचर के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। जो पहली एंट्री है वो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अमिताभ कुमार, जो पार्टनर है, उनसे हमने 51,000 रुपीस लिया है, क्योंकि हमने एक नई फर्म बनाई है जिसका नाम है पी के संस खन्ना। क्या है? पी के संस खन्ना। और इसका जो पहला पार्टनर है अभी अमिताभ कुमार है, जो कि इंडियन है, और इसने 51,000 रुपया हमें दे दिया है। किसके लिए? कि आप नया काम स्टार्ट कर लो। अगर हमें कोई बंदा पैसे देगा, तो मैंने पहले बताया था कि क्रेडिट वाउचर आ गया, अभी हम क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ पर्टिकुलर, दिक्कत ना हो, पर्टिकुलर्स लिख दिया। अभी क्या है, अभी हमें अमाउंट रिसीव हुई है, तो हम क्या बनाएंगे? तो हम लिखेंगे बाय अमाउंट, हम पहले तो नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट, इसका नाम है मिस्टर अमिताभ, मिस्टर अमिताभ कुमार। क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट मिस्टर अमिताभ कुमार। और इससे हमें पैसा आया है, कितना आया है? बाय अमाउंट रिसीव, कितना आया है? 51,000 रुपया हमें इसने फर्म को दे दिया, जिससे कि काम स्टार्ट हो गया। तो पहला वाउचर आप देखिए 51,000 रुपया, जो कि मिस्टर अमिताभ कुमार जी आपको दे रहे हैं, जो कि कैपिटल अकाउंट, जो कि एक ओनर है, पार्टनर है। तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट मिस्टर अमिताभ कुमार बाय अमाउंट रिसीव 51,000। क्रेडिट वाउचर रहेगा, आप देख सकते हैं क्रेडिट वाउचर रहेगा कि आपको दिक्कत ना है देखने में। चलिए, तो ये हो गया मिस्टर अमिताभ कुमार जी की एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर रॉक्स, जो भी पार्टनर है, इन्होंने भी कैश में 51,000 दिया है। तो अभी हम क्या करें, मिस्टर रॉक्स ने जो पैसे दिए हैं, नेक्स्ट वाउचर वो बनने वाला है, आपको साथ साथ में वाउचर बनाने पड़ेंगे। मिस्टर रॉक्स ने जो पैसा दिया है कैपिटल अकाउंट मिस्टर रॉक्स, ये मिस्टर रॉक्स कौन है? ये मिस्टर रॉक्स जो है ये बाहर के पर्सन है, ये जो मिस्टर रॉक्स है ये इंडिया के नहीं है। आप देखिए जो मिस्टर रॉक्स है, इन्होंने भी आपको पैसा दिया है, 51,000 रुपया आपको दे दिया है,
जिससे कि काम स्टार्ट हो गया है। कोई भी काम स्टार्ट करना होता है तो हमने पी के सन से एक फर्म बनानी है, उसके दो पार्टनर हैं। पहले पार्टनर ने 51,000 रुपीज दिया है, 51,000 रुपीज दिया है, 51,000 रुपीज दिया है। दूसरे ने भी 51,000 रुपीज दिया है, जिससे कि 1,02,000 में हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो पहली दो एंट्री ये रहने वाली है और आपको क्रेडिट वाउचर बनाना है। आपको क्रेडिट वाउचर बनाने हैं, पहले आपको दो क्रेडिट वाउचर बनाने हैं। आई होप आपने दो क्रेडिट वाउचर बना लिए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या रहने वाला है? नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मेसर्स सुरेश कुमार एंड सन्स खन्ना, वॉइड बिल नंबर 9 डेटेड 1/4/1988 इन कैश 5,000 रुपीज। तो हम लोगों ने कुछ परचेज किया है, वो परचेज किया हमने कुछ गुड्स परचेज की है और गुड्स का हम एक वाउचर बनाने वाले हैं। 5,000 रुपए में हमने कुछ परचेज कर लिया है, तो गुड्स परचेज की है तो उसका एक वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा डेबिट साइड की तरफ। तो चलिए अभी डेबिट वाउचर की तरफ आ जाते हैं। तो आपको लिखना है कैश में परचेज अकाउंट, आपको लिखना है परचेज अकाउंट, फिर लिखना है ट्रू अमाउंट पेड टू मेसर्स सुरेश कुमार एंड सन्स खन्ना वर्ल्ड बिल नंबर 9, ओनली 9 है, 0 नहीं डालेंगे 9 से पहले, ये भी ध्यान रखना कि एक फॉर्मेट में ही चलेगा। और मैं एक बात और बता दूं, जो आप हमारा मटेरियल लिंक से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसके नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, वो नंबर आपके वाउचर नंबर के साथ मैच नहीं होंगे, वो नंबर आपके वाउचर नंबर के साथ मैच नहीं होंगे। वाउचर नंबर स्टेपलर करने के बाद दिए जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वाउचर पहले लगाते हैं कौन सा बाद में। वाउचर का मतलब कि जैसे मैंने आपको फॉर्म बता दिया, जो हमारे सिस्टम है तो हमें अच्छा लगता है पहले क्रेडिट वाउचर लगाओ, फिर डेबिट लगाओ, फिर जर्नल लगाओ, और जर्नल लगाने के बाद स्टेपल कर दो, फिर नंबर दे, बस। और कोई बच्चा अगर डाउटफुल हो कि क्या वो नंबर आपके वाउचर नंबर से मैच होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो आगे डेट, तो एक तो डेट हम यहाँ डालेंगे 1/4। आप बोलोगे कि सर पहले वालों में आपने डेट क्यों नहीं करवाई, तो पहले वालों में भी आपको जो डेट लिखनी है 1/4/1998, तो जो मैंने इसमें भी आपको बोल दिया ये 1998 रहेगी, ये वाली जो डेट है 1998 रहेगी, 88 नहीं है, 1998 है जो डेट है, 1998 है। अगर डेट का मुझे लगता है दिक्कत हो सकती है आप सभी को, लेकिन आप 1998 ही डाल, जो डेट है मैं एक बार चेक कर लूं, 1998 डेट है, क्योंकि मेरे सामने जो मटेरियल पड़ा है 1998 डालेंगे। तो आपको डेट डालनी है 1998 डालनी है, एक इस बात का भी ध्यान रखना 1998 डेट रहेगी, 1/4/1998 डेट रहनी है, 1998 डेट रहेगी, ये आप ध्यान रखें 1998 डेट रहेगी। तो मैं फिर से बता दूं, जो हम साल देख रहे हैं वो 19 ये वाला ईयर लिखना है आपको, ये वाला। तो अगर मैं 88 बोल गया हूँ उसको इग्नोर करें, उसकी जगह आपको जो ईयर है वो 1998 लिखना है, ये ध्यान रखें। तो आगे हम इसको देखते हैं, डेटेड 1/4/1998। तो तीसरी एंट्री भी हमारी बन गई। तीसरी एंट्री क्या है, आप ध्यान से देखिए, तीसरी एंट्री क्या है कि हम लोग
बता रहे हैं आपको कि कैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुछ परचेज किया गुड्स, मैसर्स सुरेश कुमार एंड सन से परचेज किया है, उसका जो बिल नंबर है वो 9 रहेगा और डेटेड 1/4/1998 है और इसकी जो अमाउंट है 5000 है। क्या अमाउंट है? 5000 इसकी अमाउंट रहने वाली है। तो आप इजिली अमाउंट के कॉलम में 5000 लिखें और नीचे भी टोटल में 5000 है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि एंट्रीज भर कैसे रहे। तो चलिए आगे चलते हैं चार्ट नंबर पॉइंट पर, जो कि एंट्री बनानी है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स दर्शन लाल एंड सन्स खन्ना वाइट कैश मेमो नंबर, तो इसका कैश मेमो नंबर रहने वाला है फर्नीचर वालों का वो रहेगा 4, वाइट कैश मेमो नंबर 4, डेटेड 1/4/1998 जो रहेगा 1/4/1998 रहेगा। देखिए 1/4/1998 रहेगा जो हमारी ये फर्नीचर वाली एंट्री है। उसमें भी हमने क्या करना है, फिर आगे चलते हैं फर्नीचर अकाउंट की तरफ। तो फर्नीचर अकाउंट की तरफ चलते हैं, कुछ परचेज किया है, डेबिट वाउचर बनेगा। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, कैश में परचेज किया है, 2000 रुपया हमने दे दिया है और हम लिखेंगे टू अमाउंट पेड टू मेसर्स दर्शन लाल एंड सन्स खन्ना, जिसका वाइट कैश मेमो नंबर रहने वाला है, वाइट कैश मेमो नंबर 4 रहेगा, डेटेड 1/4/1998। थोड़ा सा कैसा लिखूंगी आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट एंट्री या एंट्री नंबर हमारी 4 रहने वाली है, जिसको हमने बनाया है फर्नीचर परचेज किया कैश में 2000 का। तो इसलिए मैं साथ साथ में आपको दिखा रहा हूँ कि टू ऑफ माउथ पेड टू मेसर्स दर्शन लाल एंड सन्स खन्ना वाइट, छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि वाउचर का फॉर्मेट बनाया हमने, कैश मेमो नंबर 4 डेटेड 1/4/1998। ऊपर हमने 1998 ये लिखा, आप ध्यान से देखिए ऊपर 1/4/1998 और 2000 का वाउचर हमने बना दिया है, ये भी एक डेबिट वाउचर है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम हमने परचेज किया स्टेशनरी फ्रॉम मेसर्स अशोक कुमार एंड सन्स वाइट कैश मेमो नंबर 2, वाइट कैश मेमो नंबर जो हमारा 11 रहने वाला है, वाइट कैश मेमो नंबर जो हमारा 11 रहेगा, डेटेड 1/4/1998 रहेगा। तो अब ये रब कर देते हैं। तो अभी स्टेशनरी अकाउंट बनने वाला है आपके सामने। तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर करने का एक अलग ही मजा होता है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है क्योंकि बाकी में तो ऐसे होता है कि फॉर्मेट बने होते हैं, आपने बस फिट करना होता है अमाउंट लिखने के लिए।
जहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ता है, जिससे कि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। तो अभी स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट बनने वाला है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, सेम वैसे ही लिखना है, टू अमाउंट पेड टू मैसर्स अशोक कुमार एंड सन्स खन्ना वाइड कैश मेमो नंबर इतना 11 वाइट कैश मेमो नंबर 11/4/1998 कितनी अमाउंट है 350 की अमाउंट का एक वाउचर बना दिया हमने, 350 की अमाउंट का स्टेशनरी का भी वाउचर बन गया। तो पास में दिखाना बहुत जरूरी होता है पास में, तो 350 की अमाउंट का वाउचर बन गया। टू अमाउंट पेड टू मैसर अशोक कुमार एंड सन्स खन्ना, के आर का मतलब कुमार एंड खन्ना, सन्स एंड खन्ना, वाइट कैश मेमो नंबर 11 डेटेड 1/4/1998 350 की पेमेंट कर दी, डेबिट वाउचर एक बन गया। हमने स्टेशनरी का कुछ परचेस किया है, इसके रिगार्डिंग एक वाउचर हमने बना दिया। तो आगे वाला जो वाउचर है स्टेशनरी के बाद प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ बिल बुक लेटर पैड वाउचर एक्स्ट्रा पेड टू मैसेज शमलदार एंड सर्स खन्ना वाइट कैश मेमो नंबर 8 डेटेड 1/4/1998 200 है तो 200 रुपए हमने पर्चे लगा दिए हैं, जिस खर्चा किया है, कुछ हमने प्रिंटिंग करवाई है, जिसमें हम जब साल का स्टार्ट होता है तब कैलेंडर छपवाते हैं, उसके अलावा हमारी दुकान की बिल बुक्स छपती है जो बिल काट कर देते हैं, रिसीप्ट बुक छपती है, वाउचर्स बनाए जाते हैं, वाउचर्स भी हम अपने दुकान के छपवाते हैं, तो ये सभी छपवाया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये सब कर दिया है, तो उसमें भी सेम आपको वही लेंथ प्रॉपर वही लिखनी है जो मैंने पहले लिखवाया उतना ही लिखना है। टू अमाउंट पेड टू टू अमाउंट पेड टू मैसर चमन लाल एंड सन्स खन्ना वाइड कैश मेमो नंबर 8 डेटेड 1/4/1998 तो 2000 रुपए का हमारा और खर्चा हो गया है प्रिंटिंग स्टेशनरी का। हमने कुछ परचेज किया है, परचेज नहीं किया, प्रिंट करवाया है। प्रिंट क्या करवाया है, हम लोगों ने जब साल स्टार्ट होता है आप देखते हो कि कैलेंडर भी छपते हैं, बुक्स छपती हैं, जैसे साल स्टार्ट हुआ, जैसे नया साल भी स्टार्ट हुआ है तो कैलेंडर बनाए हैं लोगों ने, वो दिए हैं सभी को। उसके बाद 1 अप्रैल को जब नया साल स्टार्ट होता है, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तब हम नई बुक्स बनवाते हैं, नए वाउचर बनवाते हैं, उसके अलावा कई तरह की बिल बुक छपती है, अन्य कई चीजें छपती हैं, तो उसका जो खर्चा हुआ है वो 200 रुपये हुआ है। तो आपको एंट्री इसलिए डलवाई जाती है, समझाने के लिए अमाउंट छोटी रखी हुई है, तो अभी आपको इजीली दिख भी रहा है, हमें मालूम है। और हमारे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। उसके अलावा आगे की जो एंट्री रहने वाली है, कैश डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक खन्ना इन करंट अकाउंट 80,000। तो हमने पंजाब नेशनल बैंक करंट अकाउंट है उसमें 80,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो ये भी एक डेबिट वाउचर है। तो अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये डेबिट कैसे बनता है, क्रेडिट कैसे बनता है, तो उसके लिए हमने पहले जो लेक्चर डाल रखे हैं उसमें अकाउंटिंग रूल बताए हुए हैं, वो आप जरूर देखें।
कि कहाँ डेबिट वाउचर बनता है, कब क्रेडिट। तो गोल्डन सभी का एक दूसरे का साथ लिंक है, इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से करना, जो भी कुछ करना स्टार्टिंग से करना। तो आगे का वाउचर है, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट बनेगा, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, जो कि एक साइट में लिखा जाता है इसके साथ कि ये करंट अकाउंट है। ऐसे करंट अकाउंट को C/A करके लिखा जाता है, करंट अकाउंट जिसमें हमने अमाउंट डिपॉजिट कराई है, कैश डिपॉजिट कितना 80,000 रुपये, 80,000 रुपया हमने डिपॉजिट करवा दिया है कैश में। तो इसकी एंट्री मैं आपको आगे से ही करवा दिखाने वाला हूँ। पंजाब नेशनल बैंक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट को C/A करके लिखते हैं। टू कैश डिपॉजिटेड, आप डिपॉजिटेड पूरा लिखें, 80,000 हमने डिपॉजिट करवा दिया है। 1/4/1998 की एंट्री है, 1/4/1998 की एंट्री है, कि कल को आप किसी तरह की दिक्कत ना हो आप सभी को और आप इजीली अकाउंटिंग का वर्क कर पाए। इसलिए साथ साथ में आपको मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ। तो आगे की जो एंट्री है, अमाउंट पेड टू मिस्टर हरि सिंह हलवाई ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्वीट्स कॉफी एक्स्ट्रा 550, 550 रुपया हमने एक हलवाई को दिया है। वो क्यों दिया है ऐसा, जब हमने अपना काम स्टार्ट किया तो हमको मुहूर्त भी तो करवाना पड़ेगा ना। हम लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे हमने नया काम स्टार्ट किया है, कुछ ट्रेडिंग फर्म बना ली है जिसमें हमारे रॉक्स और अमिताभ पार्टनर है, जिन्होंने 51,000 जो पैसा लगाया है, 51,000 रुपया पैसा लगाया है। तो वो अपने मित्र को भी बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे, तो एक मुहूर्त का स्पेंस होगा जिसमें हम सभी को चाय कॉफी स्नैक्स वगैरह खिलवाकर खिलाएंगे, फिर उनको घर भेजेंगे कि देखिए हमने ये नया काम स्टार्ट किया, आप जरूर हमसे परचेज करें। तो उसके लिए हमने मुहूर्त रखा है, मुहूर्त एक्सपेंस। तो हमने मुहूर्त एक्सपेंस बना लिया है जिसमें हमने एक हलवाई दी है, टू अमाउंट पेड टू मैसर्स हरि सिंह हलवाई क्यों ऑन अकाउंट ऑफ स्वीट्स, कुछ मिठाइयां हैं, कॉफी है एंड ETC है, अन्य कुछ जो भी हलवाई की दुकानों पर मिलता है। तो इसका हमने दिखाता हूँ, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका हमने 550 का खर्चा किया। तो आप देखिए कि कैसे हम लोगों ने पेमेंट की है, मुहूर्त एक्सपेंस किए हैं। टू अमाउंट पेड टू मैसर्स हरि सिंह हलवाई ऑन अकाउंट ऑफ स्वीट्स कॉफी 550 रुपया हमने दे दिया है। तो इसका एक डेबिट वाउचर बनेगा, तो आप लोग वाउचर बना रहे हैं, इजीली बना रहे हैं, साथ साथ में बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एक लेक्चर में वाउचर बनेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वाउचर्स की रिपोर्टिंग कैश बुक में होगी, क्योंकि एक साथ करना इजी नहीं है। और इसको करने के बाद आप रिवाइज जरूर करें, देखें कहाँ कौन सा वाउचर बन रहा है, कहाँ कौन सा वाउचर नहीं बन रहा, ये चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद गुड्स सोल्ड, उसके बाद जो 9 नंबर की एंट्री है उसमें क्या है, हमने गुड्स को सोल्ड किया है, वाइट कैश मेमो नंबर 2600 रुपये की हमने आइटम परचेज कर दी। मुहूर्त हुआ, लोग आए, कुछ लोगों ने सामान खरीदा, 2600 की आइटम हमने सेल कर दी। तो जब सेल करेंगे तो क्रेडिट वाउचर बनेगा। अभी तक 2 वाउचर के बाद हमने सभी डेबिट वाउचर बनाए। अभी कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये पता कैसे लगता है कौन सा डेबिट बनेगा कौन सा क्रेडिट, तो इसके लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला लेक्चर देखें, अकाउंटिंग कोर्स को स्टार्टिंग से ही देखें, अनाउंसमेंट का भी लेक्चर जरूर देखें,
जिससे कि आपको पता लगेगा क्या हमारा सिस्टम रहने वाला है जिसके अकॉर्डिंग हम ये आपको करवा रहे हैं, कि कल को आप एक प्रॉपर हमने स्ट्रक्चर बनाए रखा है, अगर बीच से लेक्चर देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए सेल अकाउंट, हमने सेल अकाउंट बना लिया, बाय कैश मेमो, इसका क्या मतलब है? मेमो नंबर 1 से 13, मतलब हमने 1 से 13 बिल निकाले, जो बिल बुक में से 13 बिल दिए, और 1 से लेकर 13 बिल का जो टोटल है वो कैश में हमने सेल की, और उस टोटल का मतलब पहला बिल हमने किसी को दिया, राम को दिया, दूसरा शाम को, ये, और 1 से लेकर पहले 13 बिल का हमने सेल कर दी, उन 13 बिल का टोटल लगाया, और 13 बिल हमने जो सेल किया वो कैश की है, और उसका जो टोटल है 2600 रुपया है, 2600 रुपया है। तो फिर आपको पास से दिखाना पड़ेगा, आप देखिए इस तरह से वोचर बनेगा। कि पार्टिकुलर्स फिर सेल बाय कैश मेमो नंबर, मतलब 1 से लेकर 13 जो पहले बिल है, पहले 13 बिल उसमें हमने कैश सेल की है, और 2600 रुपया टोटल बना है 1 से लेकर 13 बिल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हमारा लास्ट एंट्री रह गई है जो पेंडिंग है, अमाउंट पे टू श्री बहादुर चंद लैंडलॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ प्रीमाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1998 500। तो 500 रुपया हमने दे दिया है, किसको दे दिया है, किसकी दुकान पर हमने काम स्टार्ट किया, मार्केट में एक दुकान ली और काम स्टार्ट किया, उसको रेंट भी तो देना है, वो जो मालिक है, हमने अपनी जब रेंट देंगे तो उसकी एंट्री क्या पड़ेगी। तो हमने कैश में रेंट दे दिया, तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और लेकिन जब हम वोचर बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे रेंट अकाउंट, फिर बनाएंगे टू अमाउंट पेड टू श्री बहादुर चंद फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1998 इतना 500 रुपये। अब बोलोगी सर आज की डेट में 500 रुपये में दुकान कहाँ मिलती है? नहीं मिलती होगी, लेकिन अकाउंटिंग के कोर्स में हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं जिसके बेस पर हम आपको एंट्रीज करवा रहे हैं। तो पहले आप इस एंट्री को पास से देखिए, कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। तो देखिए डेबिट वाउचर बना पर्टिकुलर्स 1/4/1998, 500 रुपया हमने रेंट दिया, रेंट अकाउंट टू मंथ पे टू श्री बहादुर चंद फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1998। वाउचर बनने के बाद अकाउंटेंट साइन करता है, अकाउंटेंट के बाद जो मैनेजर होता है इस वाउचर को चेक करता है, चेक करने के बाद साइन करता है, और वाउचर को फिर स्टेपल करके नंबर दिया जाता है, और इसको इसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है 1 दिन के वाउचर्स को। आई होप आपको हमारे ये वाउचर बनाने की टेक्निक अच्छी लगी होगी, अभी तो आपको देखने में दिक्कत नहीं आई होगी, पास से आपको वाउचर बनाकर दिखाया, सब कुछ किया। इस लेक्चर को हम 40 मिनट का रखेंगे, आप हमें कमेंट जरूर करना, कमेंट करने से हमें पता लग जाता है कि क्या आपको ये अच्छे लग रहे हैं, आपकी डिमांड है क्या, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी कमेंट करना। आप हमारी जितनी भी वीडियोज है उनको एक बार जरूर देखें, आप हमारे चैनल को लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हम अपना अकाउंटिंग का कॉमर्स के मटेरियल के साथ साथ प्रेजेंट सिचुएशन में चलने वाली जो गतिविधियां हैं देश में उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, हालांकि वो वीडियो हमारी चल नहीं रही ज्यादा इतना हमें मालूम है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि हम लोगों के लिए सीए के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो अपलोड कर दी, एक लास्ट वीडियो वो भी हो जाएगी, 1 या 2 वीडियोस होंगी, उसके बाद अकाउंटिंग का कोर्स चल रहा है, तो सीए के लिए जो सीए कर रहे हैं उनके लिए पेपर वाइज प्रिपरेशन किया है उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो 4 तरह की ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, हमारे पास टॉपिक बहुत है लेकिन टाइम लिमिटेड है, इसलिए वीडियो थोड़ा टाइम लग के आ रहे हैं। तो आपसे यही है कि अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो
तो आप देख सकते हैं PB26 प्रिंस जो इंस्टा है वहां पर आप जाइए। जाने के बाद आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने का तरीका क्या रहेगा, आप अपना नेम एड्रेस बताओगे, आप स्टूडेंट हो वर्किंग हो, आपकी एज ग्रुप क्या है वो बताओगे, और उसके बाद आप अपनी क्वेरीज वगैरह बताकर हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपका मैटर होगा, किसी भी रिगार्डिंग होगा जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय जय भारत।